शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुर्गेश्वरी, दुर्गेश्वरी, दुर्गेश्वरी। मेयर, कलेक्टर, मिनिस्टर तक मुझसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। बिना इजाजत के मेरे घर में घुसकर मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने की हिम्मत करने वाला कौन है रे तू? मुझे अरे बोलने के बाद भी तुम जिंदा हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम औरत हो। अगर मर्द होती तो तुम्हारी जबान गुद्दे से खींच लेता। तू है कौन? मैं तेरा यमराज हूं, जिस बहन के आंखों में आंसू देखने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा सकता हूं। तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया, तेरी वजह से वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। ओह हो, तो तू उस चोर लड़की का भाई है। शट अप यू। तेरा बेटा मेरी बहन से प्यार करता है, उसे कहते चुपचाप वो शादी कर ले। मेरा बेटा और तुम्हारी बहन से प्यार करे? गंगा के पानी को जानबूझकर गंदी नाली में बहते तो नहीं सुना है। ओ धीरज, क्या तू इसकी बहन से प्यार करता है? डरता क्यों है बोल? नहीं मम्मी, मैंने तो इसकी बहन को कभी देखा भी नहीं। कमीने, अपनी माँ के खौफ से तू मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। अगर मुझे तेरी हड्डी पसली तोड़कर भी तेरी शादी अपनी बहन से करनी पड़ी तो भी मैं करूंगा। देखता हूं कौन मुझे रोकता। मैं खून खराबा करना नहीं चाहता। मैं तो यहां इसलिए आया था कि आप औरत हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप में इतनी शराफत तो होगी कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझती, मगर आप ना औरत हैं ना आपका यह सबूत मर्द। मैं अपनी बहन की शादी उससे करूंगा जो मर्द हो, जिसमें हिम्मत हो, जिसके पास दिल हो, चाहे वो गरीब हो, मगर अपनी मां के आंचल से बंधा बना हो। अब आप मेरे पैरों पर गिरकर भी मेरी बहन का हाथ मांगेंगी ना, तब भी मैं नहीं दूंगा। धीरज, निकल बाहर करो इन नमक हरामों को। ये तुमने क्या किया बेटा? उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया? हाँ माँ, उस घर में तानाशाही रहती है, जज्बात नहीं। इंसानियत नौकर है और पैसे का गुरूर मालिक। वहां कुत्तों से इंसानों जैसा सलूक किया जाता है और इंसानों से कुत्तों जैसा।
मैं अपनी बहन की शादी उस घर में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर माँ, मैं इंदु के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा। अब उस बात के लिए बहुत देर हो गई है बेटा। क्या मतलब? अब इंदु की शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। मगर क्यों? इंदु से एक भूल हो गई है। माफ कर दो भैया, मेरी जान ले लो, मगर मुझे माफ कर दो ना। पगली, पढ़ी लिखी होकर तुझसे गलती कैसे हो गई? तेरे लिए आज हवेली में मैं अब भी अपमान का घूंट पीकर फिर दुर्गेश्वरी के दरवाजे पर जा सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ, मगर क्या फायदा? वो लड़का डरपोक है, बुज़दिल है, जो खुद अपनी माँ के पल्लू से बंधा है, वो तेरे आंचल से गांठ कैसे बांधेगा? भाई साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? हिम्मत हुई तभी आया हूं। मेरी मां का जैसे आपने सामना किया, उसे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं इंदु से शादी करने को तैयार हूं, अगर आपका आशीर्वाद हो। अपनी मां के सामने तुम जबान तक तो खोल नहीं सकते, इंदु से शादी क्या करोगे? बचपन से ही मेरी मां का मेरे दिल में खौफ बैठा हुआ है। सीता लक्ष्मण रेखा पार कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी मां की खींची हुई रेखा कभी पार ना कर सका। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा छोटा भाई नीरज और बहन रेखा भी। रेखा? हाँ, मेरी बहन रेखा, जो बंबई में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। मेडिकल कॉलेज? रेखा, तो तुम इंदु से शादी करना चाहते हो? जी, मैं इंदु से ही शादी करूंगा। गुड, अगर जो तुमने कहा उसे तुम निभाने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी इसी वक्त करता हूं। जीजा जी, क्या नाम बताया कॉलेज का? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। क्यों? कुछ काम है। तुम्हारी मां और बहन कैसी हैं? किसी दोस्त ने बताया कि तार आया था, सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? लगता तुम उस दिन पानी में गिरी थी, सर्दी हो गई है, इसे सुन लो, सर्दी भाग जाएगी। थैंक्स। अच्छी, लगता है तुम्हें भी सर्दी हो गई, तुम भी इसे सूंघ लो। थैंक्स। पप्पू चल गया चप्पू। रेखा, रेखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एक एक पप्पी दे दो ना। राजा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। रेखा, राजा, रेखा, राजा, रेखा।